प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 11वीं के हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित चतुर्थ पाठ हिमालय। तो आज हम इस पाठ के कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नामना अभिधीयते जनये। भारत देश, भारत देश के जो है सुविस्तृतायाम बहुत दूर तक जो है विस्तारित यानी फैला हुआ जो है उत्तरस्याम, उत्तरस्याम में उत्तर दिशि, उत्तर दिशा में जो है स्थितो गिरि, स्थित जो है गिरि पर्वत जो है, पर्वतराजो पर्वतों का राजा हिमालय जो है इत नाम नाभिधीयते इस नाम द्वारा जो है जनय, इस नाम के द्वारा जो है जाना जाता है लोगों के, जनय मीन्स लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अस्य महोच्चानी, अस्मिन इसकी, इसकी जो है बहुत सी ऊंची शिखराण, शिखर जो है जगत संसार के, जगत में संसार के जो है सर्वानप सभी पर्वतानाम पर्वतान जयंत, जयंत में जीतते हैं पर्वतों को जीतते हैं, यानी इसके बहुत से ऊंचे शिखर जो है संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं, अतएव इसलिए जो है लोका एनम पर्वत राजा का अत्यंत, संसार में जो है इसको पर्वत राज कहा जाता है। अस्य उन्नतानि शिखराणि, इसके जो है ऊंचे शिखर जो है सदैव, सदैव मीन्स हमेशा जो है हिमय, हिम मीन्स बर्फ, बर्फ के द्वारा जो है आच्छादितानि ढके हुए तिष्ठन्त रहते हैं, तिष्ठन्त में रहते हैं, इसके जो है ऊंचे शिखर जो है सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अतएवश्य, इसलिए जो है इसको हिमालय इति, हिमगिरी इत्यपि च नाम प्रसिद्धम, हिमालय और हिमगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीन, एवरेस्ट गौरीशंकर आदि, प्रभृतीन माने आदि जो है अस्य, इसके शिखराण, शिखर जो है जगत उन्नतम मान संत, जगत में जो है सबसे ऊँचे हैं। अस्य अधिक्या अतिदिक्याम विष्टत, इसकी जो है तलहटी में जो है त्रिविष्टम, त्रिविष्टम से तिब्बत देश का नाम है, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, देशा देश जो है पूर्ण सत्ता संपन्ना, पूर्ण जो है सत्ता अपने अपने आप में जो है पूर्ण सत्ता संपन्न देश है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृति, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, मणिपुर आदि जो है भारतीय प्रदेशासन, भारतीय प्रदेश हैं जो हिमालय की तलहटी में हैं। उत्तर भारत, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों, पर्वतीय भाग भी जो है हिमालय शैव प्रांतरे तिष्ठत, उत्तर भारत का जो है पर्वतीय भाग जो है हिमालय में के ही प्रांत में, प्रांतर में जो है स्थित है। अयम, यह पर्वतराज, पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित, यह पर्वतराज जो हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, और तत्वह जो है प्रहरी रीव, प्रहरी रीव, प्रहरी धन इव, प्रहरी मीन्स रक्षक, रक्षक की तरह, इव माने तरह, रक्षक की तरह जो है शत्रुभ्य है सततम रक्षत, शत्रु से जो है सततम मीन्स हमेशा जो है रक्षा करता है। हिमालयादेव, हिमालयादेव, हिमालय से ही जो है समुद्गम निकल कर जो है, हिमालय से ही निकल कर जो है गंगा, नदियों का नाम है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रख्या, पुत्राख्या यानी ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, महानदियाँ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ जो है, और सतध्री, सतजल, सतुजल, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी, ये सब नदियों के नाम हैं। प्रभृत्य आदि जो है नद्यस, नदियाँ जो है समस्तापि, समस्त उत्तर भारत भुवम,
उत्तर भारत भूमि को जो है स्वकीय स्वकीय माने अपने तीर्थोदकय तीर्थ तीर्थ माने पवित्र होता है और उदकय उदक माने होता है पानी, अपने पवित्र पानी ये जल के द्वारा जो है ना केवल हम पुनंत ना केवल पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमाम सस्य श्यामलामप कुर्वन्ति। इमाम माने इसको सस्य श्यामलामप सस्य श्यामला माने हरी भरी जो है कुर्वन्त मीन्स करती हैं। ये नदियाँ जो है अपने तीर्थ यानी पवित्र जल द्वारा जो है ना केवल पवित्र करती हैं बल्कि उत्तर भारत भूमि के जो है हरी भरी भी करती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।